दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही Redmi Note 10 सीरीज़ की यहाँ पर प्राइस निकल कर आएगा तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों हम उसी के बारे में यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, Redmi 10 सीरीज़ का प्राइस पूरा यहाँ पर बाहर निकल कर आ गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेल वाले सेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले तो भाई अब साइट थोड़ी हैंग भी होने लग चुकी है क्योंकि यूज़र्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसीलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी काफ़ी देर तक ये लोड नहीं हुआ। अब जैसे ही आप यहाँ पर स्मार्टफोन वाले सेक्शन में जाओगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Redmi 10 सीरीज़ की प्राइस निकल कर आ चुकी है। तो सबसे पहले Mi 11X 5G है जो कि 21,000 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। एंड सबसे बड़ी डील दोस्तों Redmi Note 10 S पर आपको देखने को मिलेगी जो कि 12,999 रुपये पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो भाई अब ये फ़ोन लगभग 15,000 का आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बिना कुछ आपको यहाँ पर बैंक ऑफ़र के ये 13,000 रुपये को देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफ़र लगाएंगे तो उससे भी कम आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद Redmi Note 10 Pro Max यहाँ पर 18,500 का, सॉरी दोस्तों ये पूरे 19,000 का है। एंड जो Redmi Note 10 Pro है वो 16,500 का आपको देखने को मिलता है। तो Redmi Note 10 Pro पर आपको यहाँ पर 1,500 का डिस्काउंट, एंड जो Redmi Note 10 Pro Max है उस पर दोस्तों आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो Redmi Note 10 Pro यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपके पास 16,500 रुपये है तो आप इस पर ज़रूर लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं कि Redmi 10 Prime आपको 12,000 रुपये का देखने को मिलता है, मतलब 500 रुपये इसमें भी ऑफ है। तो यहाँ पर IQ Z3 5G भी दोस्तों एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपके पास यहाँ पर 18,000 रुपये का बजट है तो इसे भी आप ज़रूर पिक कर सकते हो। बाकी दोस्तों सैमसंग की तो हमने कल ही सारी डील्स देख ली थी। तो दोस्तों अगर इस टाइम आप सब लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि 13,000 रुपये में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि Redmi Note 10 S यहाँ पर एक क्लियर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पर दोस्तों Motorola का G40 Fusion जो कि Flipkart पर है वो भी एक बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों में से दोस्तों जो आपको अपने हिसाब से सही फ़ोन लगे वो आप ले सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो ये आपको सैमसंग S20 FE 5G वाला स्पेशल एडिशन देखने को मिल रहा है, ये भी 37,000 में आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसके भी प्राइस थोड़े बहुत यहाँ पर लीक हो चुके हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मेरे को थोड़ा डाउट है कि Redmi Note 10 पर यहाँ पर कोई भी ऑफ़र देखने को नहीं मिला अभी तक, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। बाकी जो Redmi Note 10 S है आप देख सकते हैं 15,000 रुपये का ये फ़ोन है। एंड दोस्तों अगर 13,000 रुपये में बिना बैंक ऑफ़र के ये मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सबके पास दोस्तों HDFC का कार्ड तो होगा नहीं, तो सबको दोस्तों बिना कार्ड के भी बिल्कुल ऑफ़र मिलना चाहिए जो कि ये लोग दे रहे हैं इस बार। तो काफ़ी सही है दोस्तों, और ठीक स्मार्टफोन है दोस्तों, 13,000 रुपये में प्राइस को जस्टिफाई करता है। बाकी दोस्तों G40 Fusion भी है Flipkart पर, वो भी एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर 12,000 रुपये की दोस्तों बात करूँ तो 12,000 रुपये में Poco M2 Pro आपको देखने को मिलता है Flipkart पर, जिसकी की डील आज ही यहाँ पर रिवील हुई है। तो इसमें दोस्तों इतना ही था, बाकी अभी मैं कुछ और वीडियोज़ यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।